हेलो दोस्तों, ऑटोमोबाइल कार में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेनॉल्ट डस्टर की जो क्लस्टर की वार्निंग लाइट है उसके बारे में जानते हैं। तो आपको क्लस्टर की तरफ ले चलते हैं, डैशबोर्ड को जो क्लस्टर रहता है उस तरफ ले चलते हैं, और आपको बता दूंगा कि उसका मतलब क्या रीज़न है और क्यों वो लाइट आती है और उस लाइट का मीनिंग क्या है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो ये देखो, ये है रेनॉल्ट डस्टर का क्लस्टर। तो अभी देखो, इसका इग्निशन ऑफ है, तो अभी मैं इसका इग्निशन ऑन करता हूँ, स्विच देता हूँ। ये देखो, ये लाइट सब ऑन हो गए। अभी ये देखो, आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि अगर गाड़ी चालू करने के बाद अगर डैशबोर्ड पे कोई लाइट शो नहीं कर रही तो गाड़ी आपकी अच्छी कंडीशन में है और आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई लाइट शो हो रही है तो मतलब आपके गाड़ी में प्रॉब्लम है। अब हम इस लाइट का मीनिंग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आपका गाड़ी में कौन से इसका प्रॉब्लम है। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं ये लाइट से। ये जो दिख रही है ये मॉल फंक्शन लाइट है, इसे मॉल फंक्शन लाइट कहते हैं। ये दो तरह की होती है, एक रेड और येलो। मतलब यही लाइट जब हम इग्निशन, ये देखो अभी मैं इग्निशन बंद करता हूँ और चालू करता हूँ, ये देखो ये रेड लाइट भी हो रही है, वही लाइट। और ये देख देखो बाद में फिर येलो हो गई। तो रेड का मतलब अगर आपके डैशबोर्ड में अगर रेड लाइट शो हो रही है तो रेड का मतलब है कि आपको इमिजिएटली गाड़ी रुकना पड़ेगा, मतलब गाड़ी का इंजन ऑफ करना पड़ेगा। अगर आप गाड़ी चलते चलते वो रेड लाइट आ गई तो आपको साइड साइड में लेके इंजन ऑफ करना पड़ेगा। और आप अगर ये लाइट येलो है, मतलब चलते रनिंग समय अगर ये लाइट येलो आ गई, मॉल फंक्शन लाइट, तो आपको गाड़ी मतलब केयरफुली चलानी पड़ेगी, स्लोली स्लोली। मतलब आप जा सकते हो, मतलब गाड़ी चला सकते हो और आपको जाके फिर ऑथोराइज डीलर के पास आप उसे ठीक कर सकते हो। अब ये दूसरा है, ये देखो ये भी मॉल फंक्शन लाइट ही है और इसे चेक इंजन लाइट भी कहा जाता है। ये आपके इंजन में जो टर्बो लगा रहता है उसकी सिस्टम का लाइट है। अगर टर्बो के सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गया तो ये लाइट आती है। आपको फिर भी डीलर के पास, ऑथोराइज डीलर के पास जाना पड़ेगा गाड़ी लेके, तो ये लाइट उसकी है। अभी ये देखो, ये लाइट एयरबैग की है। ये लाइट अगर आपकी एयरबैग में मतलब एयरबैग सिस्टम में कोई प्रॉब्लम रहेगा तो ये लाइट आती है। ये देखो, ये ब्रेक कॉइल की लाइट है। तो अगर आपकी गाड़ी के अंदर मतलब मिनिमम और मैक्सिमम की ऑयल लेवल है, अगर मिनिमम के नीचे गई तो ये लाइट ऑन होती है। और दूसरी मतलब हैंड ब्रेक की भी लाइट रहती है, अगर आपकी गाड़ी में हैंड ब्रेक खींचा है तो भी ये लाइट ऑन होती है, अगर आपने छोड़ा हैंड ब्रेक तो ये लाइट चली जाती है। अभी बैटरी की लाइट है, बैटरी चार्जिंग लाइट है। तो अगर आपकी गाड़ी में मतलब गाड़ी में अल्टरनेटर लगा रहता है, अगर अल्टरनेटर बैटरी को चार्ज नहीं करेगा तो ये लाइट भी ऑन होती है। अब दूसरा भी रीज़न है कि अब अगर बेल्ट टूट गया तो भी ये लाइट मतलब ऑन होती है क्योंकि अल्टरनेटर नहीं घूमेगा। और भी कुछ रीज़न है, मतलब फ्यूज गया। अभी दूसरा देखते हैं, ये टेम्परेचर की लाइट है। मतलब आपकी अगर ये देखो, अभी ये टेम्परेचर की लाइट है, जब आपके गाड़ी के अंदर कूलेंट अगर ओवरहीट हो गया, कूलर नहीं है, तो ये लाइट ऑन होती है। कैसे क्यों ऑन होती है? क्योंकि इंजन का टेम्परेचर हाई होता है, इसकी वजह से ये ऑन होती है। और आपको जल्दी वो गाड़ी मतलब अगर गाड़ी चालू है तो आपको इंजन उसका ऑफ करना पड़ेगा। अभी ये देखो, ये ऑयल की लाइट है, इंजन ऑयल की। अगर आपके गाड़ी के अंदर कम इंजन ऑयल है तो ये लाइट ऑन होती है। अगर आपकी गाड़ी को मतलब मिनिमम के नीचे ही इंजन ऑयल है तो ये लाइट ऑन होती है। और भी रीज़न है, अगर आपके मतलब एक ऑयल पंप रहता है इंजन में, अगर ऑयल पंप पे ऊपर प्रेशर नहीं भेजेगा, सेंसर को मतलब ऑयल ऊपर नहीं भेजेगा तो भी ये लाइट ऑन होती है। ये प्री हीटिंग इंजन लाइट है, ये डीजल गाड़ी में पाया जाता है क्योंकि इंजन अगर कोल्ड पोजिशन में रहेगा तो ये हीटिंग का काम करता है और गाड़ी जो जल्दी स्टार्ट होने में मदद होती है।
ये लाइट अभी कैसी वर्क करती देखो। अगर आपने इग्निशन दिया है और देने के बाद वो कुछ सेकंड बाद ही वो चली जानी चाहिए। अगर आपकी गाड़ी को आपने चालू करी और फिर भी अगर ऑन रह रही है तो कुछ ना कुछ तो आपके ग्लो प्लग का सिस्टम में प्रॉब्लम है। तो अभी मैं इसका इग्निशन बंद करता हूँ और चालू करता हूँ। ये देखो तो मेरी लाइट भी अभी चली गई है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लाइट ABS की है, मतलब एंटी लॉक ब्रेक सिस्टम की। आपके गाड़ी के अंदर अगर ब्रेक सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गया तो ये लाइट ऑन होती है। तो आज हमने रेनॉल्ट डस्टर की जो डैशबोर्ड की लाइट है उसके बारे में सब जानकारी ली है। और एक बात, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।